इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मेरे थिम्सन टायर के रिव्यू के बारे में, जो कि था मॉडल नंबर 659A। इसके बारे में प्रोस कॉन्स कॉस्ट एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। वॉच इट टिल द एंड, यू विल लर्न अ लॉट। अनिस भाई के शॉप पे गया था एंड वहां पे उनकी बाइक थी 650 cc की, कावासाकी की ER6N। तो उस गाड़ी पे मैंने उस टायर को देखा था। तो एनीवेज आई वाज लुकिंग फॉर अ न्यू टायर, क्योंकि मेरी डोमिनार पे जो है अराउंड 19,000 किलोमीटर्स मिशलिन का हो गया था और वो पूरा खत्म हो गया था फ्रंट टायर। और पीछे में एनीवेज बहुत डिसअपॉइंटेड था क्योंकि मेरे पास अपोलो अल्फा H1 था एंड इट वाज अ डिजास्टर ओनिंग दैट टायर। एनीवेज आई हैव गॉट अ लिंक टू दिस वीडियो मैंने बनाया उसके बारे में, आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में। एनीवेज मैंने अनिस भाई की गाड़ी ट्राई की एंड मुझे वो टायर बहुत ज्यादा पसंद आया। सो मैंने अनिस भाई के साथ में डिस्कस किया एंड देन वी सॉर्टेड आउट कि कौन सा मॉडल लेना चाहिए। क्योंकि मैंने अनिस भाई की गाड़ी टेस्ट राइड की थी तो मैंने इसी पैटर्न को डिसाइड किया एंड मैंने यही वाला मॉडल लिया। एक बायस टायर है। अब बायस टायर का मतलब क्या होता है? जो मोटर मोटर क्रॉस की बाइक्स होते हैं या हिमालयन जैसी बाइक होती है, ये सब गाड़ी में ना कैसे टाइप के टायर आते हैं मालूम है? जो ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड थोड़ी होते हैं ना, इसमें बायस आता है, यानी कि इसका जो साइड वॉल्व होता है वो जाड़ा होता है एकदम। और वो जाड़ा होने की वजह से ना स्पीड ब्रेकर कुदा दो, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग में चले जाओ, थोड़ा सा कहीं से निकाल दो, तो टायर जो है ना वो बिल्कुल संभल के चलता है और आपका रिम के ऊपर इम्पैक्ट आने देता नहीं है, बेंड होने से बच जाता है। मैं जब भी लद्दाख में था अभी इस टाइम पे, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब हम लोग सियाचिन से दिस्कित की तरफ आ रहे थे। पूरा राइड हमारा सक्सेसफुली हो गया था, सब कुछ हो गया था। लास्ट लास्ट में एकदम रात का टाइम हो गया था, मतलब 7:30 8 बज गए होंगे ऑलमोस्ट। एंड क्या हुआ ना, एक छोटा सा अपना गटर का जो होल होता है ना, तो वो ओपन था, ठीक है। तो मेरे आगे लाइफ स्टाइलर अजिंक्य था तो उसने फटाक से निकाल लिया, ठीक है। एंड मैं एकदम पास पास था, मतलब हम लोग हार्डली 1-2 फीट का भी डिस्टेंस नहीं होगा। एंड इतना फॉगी फॉगी था कि मुझे निकलने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि लाइट ही नहीं गया उसके ऊपर, और गाड़ी धड़ाम से अंदर गई। मैंने बोला गया गया, मेरा रिम गया, फ्रंट टायर का मेरा रिम खत्म हो गया। लाइफ स्टाइलर आए, हम लोग दोनों ने गाड़ी को बाहर निकाला एंड मैंने गाड़ी हम लोग ने होटल में डाल दिया, होटल भी नहीं होम स्टे में डाल दिया। एंड सुबह उठा और तब जाके मैंने देखा, तब तक मैंने गाड़ी को देखा भी नहीं, इतना सा भी डैमेज नहीं हुआ था। एंड मजे की बात ये थी कि हम लोग टायर में हवा भराने गए थे बाद में, टायर का हवा इतना सा भी नहीं छूटा था। एंड वो जिस लेवल का इम्पैक्ट था ना गाइज, वो सिर्फ मैं और अजिंक्य भाई जानते हैं कि क्या सीन हुआ था। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये टायर जो है ये बिल्कुल इम्पैक्ट लेने के लिए तैयार बैठा रहता है। ये टायर के बाद में ना मेरा गाड़ी का थोड़ा सा हाइट बढ़ गया। सेकेंडली, डोमिनर आपको थोड़ा सा हैवी फील होगा। ऑब्वियसली बात है, गाड़ी इज अ फ्रंट हैवी बाइक, पीछे लोड डाल के पिलियन डाल के आप लंबे लंबे राइड्स, लॉन्ग राइड्स, वर्ल्ड राइड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, विच इज पॉसिबल। बट इधर प्रॉब्लम क्या आता है ना, एक जगह कहीं ना कहीं आपको वेट फील होता है आपके हैंडल पे एंड ऑल दैट, एंड जो हैंडलिंग है थोड़ा सा आपको हैवी फील होगा। इस टायर के बाद में सडनली इट बिहेव लाइक अ KTM बाइक। पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी यूज किया है बट इतना इजीली हैंडलिंग होता है, राइट लेफ्ट एंड एवरीथिंग, द हैंडलिंग वॉज सुपर। आई वॉज अमेज टू सी दैट यू नो अ टायर कैन डू सो मच ऑफ डिफरेंस ऑन द बाइक। मैंने कोई टायर साइज चेंज नहीं किया था, सेम 110 वाला आगे एंड 150 वाला पीछे, एंड दिस टायर वॉज डूइंग एब्सोल्यूटली इट्स बेस्ट। थर्ड थिंग विच आई लाइक द मोस्ट, कि जब भी आप मिट्टी वाले इसमें से भी आप टर्न मारो, जैसे कि अभी हमारे इधर डोंबिवली में नया ब्रिज बना है, तो नया नया बना उसके बाद में भी उधर धूल मिट्टी एंड बहुत सारे ना, मतलब जो कोने में पड़े हुए मिट्टी रहते वो सब आ गए थे। लिटरली मैंने टर्न मारा एंड प्रॉपर वाला कॉर्नर मैंने किया, इतना सा भी मेरा टायर स्लाइड नहीं हुआ रोड से। आई वॉज सो शॉक टू सी, एंड ये मैंने पर्पसफुली किया, जस्ट टायर को टेस्ट कर रहा था मैं। एज यू नो मैं टेस्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम डालता हूँ, इसके लिए मेरे वीडियोज लेट आते हैं रिव्यू वाले, लेकिन जब आते हैं तो मैं आपको बिल्कुल सही तरह से बता पाता हूँ कि वो टायर क्या है, वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली कैसा है। एंड ये टायर ने मुझे अमेज कर दिया था, यानी कि पानी में भी मैंने इसका देखा है जबरदस्त तरीके से जाता है। इट लिटरली बिहेव लाइक अ मेटजेलर एट अ कॉस्ट ऑफ अ मेटजेलर टूडे, बट उस टाइम पे बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में आता था। फ्रंट टायर जो है गाइस मेरा 22,000 किलोमीटर चल गया। यस, आज तक मेरे टायर डोमिनार के ऊपर कोई भी 22,000 तो चला नहीं है, ये पहला टायर था जो 22,000 चला। आई वॉज अमेज्ड टू सी दैट दिस टायर वॉज परफॉर्मिंग जस्ट द वे आई बॉट इट ब्रांड न्यू। कौन सबसे पहला ये है कि इसका जो पीछे का टायर है ये 8 से 10 हजार किलोमीटर में खत्म हो जाता है, एंड दिस इज लाइक अ मेजर इशू। ये आपको सिर्फ और सिर्फ पीछे के टायर पे ही दिखेगा, 8 से 10 हजार की इसकी लाइफ है, उसके अंदर टायर कंप्लीटली गॉन, या तो उसका पूरा शेप चला जाएगा या तो उसके अंदर 5-6 पंचर हो जाएंगे। मेरे केस में शेप भी गया और 5-6 पंचर भी आ गए। दूसरा कौन है कि ये टायर आपको सिंगल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, आई वुड से इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
अगर आपका कोई बहुत ही अच्छा पहचान है तो आपको मिलना पॉसिबल है, लेकिन अदरवाइज इन रियलिटी आपको इसको एज अ जोड़ी खरीदना पड़ेगा। ये ना हवा बहुत जल्दी छोड़ता है, यानी कि हार्डली 250-300 किलोमीटर जो आपको तुरंत हवा भराना पड़ता है। एंड मेरे केस में मुझे बहुत बार भराना पड़ता था क्योंकि डोमिनार बींग सो हैवी, बट फ्रंट टायर जो है वो अपना जो हवा है उसको होल्ड करके रखता था, पीछे के टायर का थोड़ा ज्यादा इशू मुझे मिलता था। सो नाउ व्हाट्स द कंक्लूजन, शुड यू बाय दिस टायर और शुड यू नॉट? मुझे पूछ रहे हो, 100% मैं तो बोलूंगा बिंदास लो, बिंदास लो, एक बार एक्सपीरियंस करके तो देखो। अगर आप राइड करते हो ना गाइस, तो ही इस टायर पे इन्वेस्ट करो, खाली डे टू डे रनिंग है तो मत करो, क्योंकि ये प्योरली बेस्ड ऑन राइडर्स टायर है। सेकेंडली, इसको ढूंढ लोगे तो मुझे भी बता देना, क्योंकि मैं भी ढूंढ रहा हूँ काफी टाइम से, मुझे मिल रहा है लेकिन एज ए सेट मिल रहा है, बट मुझे सिंगल टायर चाहिए। आपने मेरा मिशलिन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि मैं अभी पीछे का टायर ढूंढ रहा हूँ। वो सारी चीजें शेयर करते रहूंगा इस पूरे जर्नी थ्रू, एंड आपको बताऊंगा कि जब राइड आने वाली रहती है तो उसके पहले प्रिपरेशन कैसे होता है, वो 1 महीने का टाइम कैसा होता है, ये सब वीडियोस में लेके आऊंगा। अगर आपको थिमसुन में 6.59 मॉडल नहीं मिले तो कौन सा लेना चाहिए? 712 आता है, 822 आता है, 823 आता है, ये तीनों मॉडल जबरदस्त है और वो पिरेली एंजल जीटी वाला दिखने वाला टायर में बहुत सुपर है। बट बेसिकली ये जो 3-4 मॉडल्स है जो बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड एंड परफेक्ट मॉडल्स है, दिखने में भी अच्छे हैं, हाइट भी दे देते हैं, एंड दे जस्ट डू द जॉब एज दे आर मेंट टू। तो मैं मिलूंगा आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।